गणेश जी और चांद। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम सब लड्डू बनाकर गणेश जी को खिलाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी गणेश जी अपने वाहन मूषक पे सवार होकर लड्डू खाने निकल पड़े। बहुत सारे लड्डू खाने के बाद, अरे वाह, क्या लड्डू थे, आज तो मजा आ गया, अब मैं और नहीं खा सकता। चलो मूषक, अब घर जाते हैं। गणेश जी, आज तो आपका वजन बहुत बढ़ गया है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। जब वो रास्ते से जा रहे थे तब अचानक उनके सामने एक बड़ा सा सांप आ गया। सांप देखकर मूषक डर गया और उसने गणेश जी को पीठ के बल गिरा दिया। अरे अरे, ध्यान से क्या कर रहे हो? ओ प्रभु, मुझे माफ कीजिए, थोड़ा संभल कर चला करो। और गणेश जी अपनी धूल झटकते हुए उठ गए। प्रभु, मैंने आपको जानबूझकर नहीं गिराया। कोई बात नहीं, जाने दो। जैसे ही गणेश जी वापस मूषक पर सवार हो रहे थे, उन्होंने देखा कि चांद लोट पोट कर हंस रहा है। क्या नजारा था, मुझ पर हंसना बंद करो। ये देखकर गणेश जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मेरे मना करने के बाद भी तुम मुझ पर हंस रहे हो, चांद, तुम्हारी इतनी हिम्मत। गणेश जी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चांद की ओर दे मारी। कुल्हाड़ी से चांद की छाती पर वार किया और चांद की हंसी बंद हो गई। आह, आह, आह। चांद निशब्द होकर धुंधला होने लगा और लुप्त हो गया। मेरा प्रकाश, मेरा प्रकाश। सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। चांद कहाँ गया? आकाश में इतना अंधेरा क्यों है? लगता है किसी ने चांद का प्रकाश छीन लिया है। देवताओं ने नीचे देखा। उन्होंने देखा कि गणेश जी गुस्से से कांपते हुए आकाश की ओर देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, लगता है चांद ने गणेश जी को उकसाया होगा। चलो, हम सभी नीचे जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। सारे देवता गणेश जी के सामने जाकर खड़े हो गए। हे प्रभु, चांद को माफ कर दो और उसका प्रकाश लौटा दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब उस चांद की हंसी कहाँ गई? अब क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, मुझे नहीं लगता कि गणेश ज्यादा देर तक क्रोधित रहेंगे। जैसे ही उनका क्रोध कम होने लगेगा, हम उन्हें मना लेंगे। प्रभु, कृपया चांद का प्रकाश लौटा दीजिए। इस विश्व के लिए चांद का प्रकाश बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे आपकी विनती मंजूर है। देवताओं को वचन देते हुए अचानक गणेश जी की आंखों में चमक आ गई। चांद इस बात को जीवन काल तक याद रखेगा। अब चांद पूरे साल गोलाकार और प्रकाशित नहीं रहेगा जैसे वो पहले होता था। उसकी चमक, प्रकाश और आकार धीरे धीरे बढ़ेगा और सिर्फ एक रात वो पूर्ण गोलाकार होगा। फिर धीरे धीरे उसकी चमक, प्रकाश और आकार कम होगा और एक दिन के लिए वो किसी को दर्शन नहीं देगा। हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। चांद को अपनी सुंदरता पे बड़ा गर्व है ना? तो अब सुनिए, जो भी आज की रात चांद को देखेगा, उस पर ऐसे अपराध का आरोप लगेगा जो उसने किया ही नहीं। बेचारा चांद, देखो क्या कर बैठा। उस दिन से चांद धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे कम होकर एक दिन के लिए लुप्त हो जाता है। गणेश जी को मानने वाला कोई भी व्यक्ति
इस रात चांद का दर्शन नहीं करता। लॉर्ड गणेशा कॉसेस द मून ऑन गणेश चतुर्थी। Everybody makes Ganesha's favorite sweet, laddus, and offers them to God. One year, Ganesha, sitting on his vehicle, the rat, went from house to house, eating his favorite laddus. After eating a lot of laddus, wow, what a feast! I'm full now. I can't eat any more. Come on, dear, let's get back. Oh Lord, you have become so heavy. I can't walk properly. As they were going down the road, a huge cobra appeared in front of them. This scared the rat. The poor creature trembled so violently that Ganesha fell down from his back. Hey, look out! Ouch! Oh, I'm sorry, Lord. Ah, what are you doing? Ganesha rose and dusted himself. Oh Lord, I didn't mean to drop you. Not your fault. Forget it. As Ganesha turned to mount the rat again, the moon started laughing. Ho 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 ho. Ha 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 ha. What a sight it was. Stop laughing at me. Ho 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 ho. Ha 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 ha. Ganesha's eyes began to burn in a deadly anger. Laughing at me, Chandra? How dare you? You will have to pay for it. But Chandra kept on laughing. Now Ganesha exploded with anger. Raising his hand, he hurled his battle axe at the moon with all his terrible might. The laughter stopped as the axe sank deep into Chandra's chest. Ah! The moon lay stunned and his bright silvery light began to dim and fade. My light is dying. The gods looked out of their heavens in surprise. Where's Chandra? Why are the heavens in darkness? Someone must have killed the light in him. Peering down, they saw Ganesha shaking an angry fist at the sky. I think Chandra has done something to offend Ganesha. We better go down and calm his anger. The gods heard about everything that had happened. They shimmered down and stood before the furious little god. Please forgive him. Please give Chandra his brightness back. The world will be lost without it. No. Where has his laughter gone now? Now what? We will wait. Ganesha's anger is not of the lasting kind. As soon as the gods sensed the anger diminishing, they made their move. You must restore his light. Please, the world needs it. Chandra must shine in the sky. Okay, I will do it on your request. As Ganesha assured them, a dangerous sparkle still lurked in his eyes. But he's going to remember tonight for the rest of his life. He will not shine bright and full all the year round, as he used to do. His brightness will grow slowly, and for just one night, he will be in his old self. Then his brightness will begin to fade, until there's none left, just like tonight. The gods knew this was the best they were going to get. That will be fine. I haven't quite finished yet. Chandra is too proud of his beautiful light, isn't he? If anyone looks at him on this night, he will be blamed and punished for a crime he has not committed. Poor Chandra, look what he has achieved. From that day, the moon
slowly gets brighter, becomes full for just one night, and then slowly fades away to darkness. Also, no pious Hindu looks at the moon on Ganesh Chaturthi for the fear of Ganesha's curse. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।